हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अंकिता ब्यूटी में आपका स्वागत है और मैं हूँ अंकिता। सो गाइस, आज मैं आप लोग के लिए एक वीडियो लेके आई हूँ, गेट ग्लोइंग स्किन। एक्ने पिंपल को आप रिमूव कर सकते हैं घर पे होम मेड रेमेडी बना के, क्योंकि मेरा ये पर्सनल एक्सपीरियंस रहा है, इसलिए मैं ये वीडियो आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ। और वीडियो लास्ट तक देखिएगा, वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को मेक श्योर लाइक, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को क्लिक कर दीजिएगा। और प्लीज़ वीडियो मेरा थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो अपने फैमिली फ्रेंड्स में वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा। तो मेरा रेमेडी है गाइस, ये मैं आपको दिखा दे रही हूँ। हमें गेट ग्लोइंग फेस पैक बनाने के लिए हमें चाहिए लेमन, ठीक है, तुलसी के पत्ते, खीरा और मुल्तानी मिट्टी। और एक मुझे क्रश करने के लिए ये चाहिए, ये किसी के भी घर में इजली मिल जाता है। और हमें चाहिए टूना, तो चलिए इसे बनाते हैं, लेट्स गेट स्टार्टेड। इस फेस पैक को बनाने के लिए हमें चाहिए ये क्रशर, और इसमें हम पहले तुलसी के तीन चार पत्ते डाल के अच्छे से क्रश कर लेंगे। उसके बाद से ये जब क्रश हो जाएगा थोड़ा सा, उसके बाद से हम डालेंगे खीरा, दो स्लाइस डालेंगे खीरा के, और दोनों को हम अच्छे से क्रश करेंगे ताकि अच्छे से पिस जाए। जैसे कि आप लोग को पता है ये पिसेगा तो नहीं, बट स्क्रब टाइप का बन जाएगा। और ये क्रश हो चुका है, देन इसमें हम देख लीजिए अच्छे से क्रश हो गया, और देन हम इसमें डालेंगे ये मुल्तानी मिट्टी। आप चाहे तो पाउडर भी ले सकते हैं, बट ये साबुत मुल्तानी मिट्टी मेरे पास था इसलिए मैं ये यूज़ कर रही हूँ। और मुझे साबुत वाले का रिज़ल्ट काफ़ी अच्छा लगता है बिकॉज ये प्योर होता है। और इसको भी मैंने क्रश कर लिया है, और देन इसमें ऐड किया है मैंने लेमन, और उसके बाद से मैंने ऐड किया है टोनर, फेस टोनर। गाइस, इस फेस पैक को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। सो गाइस, मेरा फेस पैक बन के तैयार हो गया, ये आप लोग देख सकते हैं, ये बन के तैयार हो गया। और इससे पहले हमें सबसे पहले करना होता है क्लिंजर, और क्लिंजर के बाद हमें अप्लाई करना होता है, हमें मतलब आपको करना है ये देखिए, स्टीम लेना होता है जिससे हमारे पोर्स होते हैं ना ओपन हो जाते हैं, ब्लैकेट्स एंड व्हाइट स्ट्रेट्स रिमूव हो जाते हैं। ये मेरा इस तरीके का मशीन है, ये इजिली आपको ऑनलाइन भी मिल जाएगा फ्लिपकार्ट वगैरह पर, या आपको मार्केट में भी मिल जाएगा। और मैंने इसमें पानी डाल दिया और गर्म कर होने के लिए छोड़ दिया है। तो मैं फेस को वॉश कर चुकी हूँ और मैं इसको लूँगी स्टीम। ये देखिए, इस स्टीमर से मैं ले रही हूँ स्टीम, और इस तरह पानी में आप डाल के प्लग लगा के आप स्टीम ले सकते हो, यहाँ पे सामने रख के। इसे जितने भी आपके व्हाइटनेस एंड ब्लैकेट्स होते हैं ना उनको रिमूव कर देता है। और देन ये वाले फेस पैक अगर आप यूज़ करते हैं तो काफ़ी आपके मतलब एक्ने वगैरह को रिमूव कर देता है, और ब्लैकेट्स कुछ हद तक रिमूव हो जाते हैं। ये मेरा हो गया, मैंने स्टीम ले लिया, और उसके बाद से मैं एक टॉवल से लेके अपना फेस को रफ कर लूंगी। आपको कॉर्नर से पकड़ना है और पूरा ऐसे रफ करते हुए, ठीक है। उसके बाद से गाइस आपको यूज करना है मेरा वाला फेस पैक, फेस बहुत ज़्यादा रिलैक्स कर रहा है, और ये मैंने बनाया है। और इसको हाँ ध्यान रखना है कि आपको मसाज करते हुए इसको यूज़ करना है। गाइस, खीरे में आपको पता है विटामिन सी वगैरह पाए जाते हैं जो आपके मतलब डार्क स्पॉट वगैरह होते हैं, डार्क सर्कल होते हैं, उनको रिमूव कर देता है। प्लस तुलसी से जो भी आपके पिंपल्स के स्पॉट है ना उनको तुलसी रिमूव करता है। और प्लस मैंने मुल्तानी मिट्टी लिया है, तो अगर आपकी स्किन ऑयली है तो आपकी स्किन को ड्राई करता है, और जब स्किन ड्राई रहेगी तो पिंपल बहुत कम निकलते हैं। तो ऐसे आपको मसाज करते हुए लगाना है फेस पैक को। गाइस, इस फेस पैक को आप वीक में वन टाइम जरूर यूज़ किया कीजिए। अगर आपको एक्ने और पिंपल निकलते हैं, आपको ग्लोइंग स्किन चाहिए, तो ये तो आपको लगाना ही चाहिए। और आप लोग मेरा फेस देख सकते हैं बिकॉज मैंने प्रेजेंट टाइम कुछ भी अप्लाई तो किया नहीं है, और मेरा फेस कितना ज़्यादा ग्लो कर रहा है क्योंकि मैं ये सारी चीज़ें मैं यूज़ करती हूँ, मुझे रिजल्ट अच्छा लगता है, देन वीडियो मैं आप लोग के साथ शेयर करती हूँ।
आपको मसाज करते हुए लगा लेना है। अब इसको लगा के हम 10 मिनट के लिए छोड़ेंगे, देन फिर मसाज करते हुए हो। इस फेस पैक को मैं लगा के छोड़ दी थी, सूख गया है। अब इसे हल्की हाथों से मसाज करते हुए मैं इसको निकाल लूँगी। मेरा थोड़ा ज़्यादा ही गीला सॉरी ड्राई हो गया है। आपको थोड़ा सा गीला में ही मसाज करना होगा। इसे मसाज करते हुए रिमूव कर लीजिएगा, नॉर्मल पानी से वॉश कर लेना है। आप मेरा फेस देख सकते हैं, रिजल्ट आपके सामने है गाइस। इस फेस पैक को हफ्ते में 1 से 2 बार अगर आपने यूज़ किया तो जितने भी आपके ओपन पोर्स, एक्ने पिंपल की प्रॉब्लम है, स्पॉट है, तो उनको रिमूव कर देगा। सो गाइस, वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा, और नेक्स्ट वीडियो क्या देखना चाहते हैं। तब तक के लिए बाय।